हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं काबुली बाग। आज मैं आया हूँ मुरादाबाद से, तुम्हारे की यूपी से पानीपत आ गया हूँ हरियाणा में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी को काबुली बाग बोलते हैं, इसी को बाबरी मस्जिद बोलते हैं, इसी को रानी महल बोलते हैं। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ उधर से मैं कैसा कैसा आया, यानी कि अब क्या ही बताऊँ उसके बारे में। थोड़ा आगे चल के देखते हैं, आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं फिर, यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हैं। गाइस, बाहर तो गेट बंद था, तो हम दीवार कूद के आ गए। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ गेट बंद है, ताला लग रहा है। ताला शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ ताला लग रहा है। दीवार कूद के आया हूँ आप लोगों के लिए। आज दीवार कूदता रहूँगा, लेकिन आप प्यार बनाते रहिए। तो आगे दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस, आपको यहाँ पर सामने कुछ कवर दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इस कवर का आज तक किसी को पता नहीं चला है ये कवर किसकी है किसकी नहीं। मैंने भी गांव वाले से कुछ पता किया था, लेकिन उनको भी नहीं पता। काफ़ी दिनों से पूछ रहा हूँ ये कवर किसकी है किसकी नहीं। और आगे की साइड में को आया ये देख लूँगा आपको। इस कुएँ के आठ आठ कोने हैं, यानी कि बाबर की जो सेना थी ना, इसी कुएँ का पानी पिया करती थी, बल्कि बाबर भी। काबुली बाग मस्जिद, जिसे 1527 में पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत हासिल करने के लिए सम्राट बाबर द्वारा 1527 में बनाया गया था। मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा गया है। तो गाइस, जब 1527 में मस्जिद को बनाया गया था, कुछ इस प्रकार की थी। देख सकते हैं कितनी प्यारी है, ऊपर सब कुछ है, दोनों साइड से बने हुए हैं। लेकिन आज मस्जिद पूरी टूट टूट के इधर हो गई है, पूरी छत टूट गई है। कुछ वीडियोस है मेरे पास, ये देखिए आप। ये वही ऊपर का हिस्सा है जो पूरा टूट चुका है। आज इस मस्जिद की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, यानी कि गंदगी वगैरह ही बहुत कर रखी है लोगों ने। यहाँ पर दारू वगैरह पीते हैं लोग बार, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, ऊपर देखिए, पूरी मस्जिद टूटी पड़ी है। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. ऊपर आ गया हूँ दीवार चल कर। गेट तो सारे बंद पड़े हैं, यहाँ पर काफी सारे गेट हैं। समझ में नहीं आ रहा कौन से गेट से जाना पड़ेगा कौन से नहीं। वो गुफा टाइप की बना रखी है इतनी सारी, मेरा समझ में नहीं आ रहा कि मैं दीवार चढ़ के आ गया ऊपर। काफी जने आए हुए हैं, कुछ लेडीजें भी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चलकर, ऊपर देख सकते हैं आप। काफी अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत प्यार बना रखा है। ये पीछे थोड़े भैया हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने बताया था रास्ता मेरे को। मेरे को पता नहीं है, मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ। अब क्या बताऊँ, ये जीने वगैरह। एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, ऐसी खिड़की टाइप की बना रखी है देखो आप, जो बहुत अच्छी है। ऐसी बहुत सी जगह घूमने वाली, आपको दिखा देता हूँ मैं। थोड़ी सी फ़ोन में दिक्कत सी आ रही है। बहुत बढ़िया जगह है, वाओ। अभी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको, काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, रास्ते भी इतने कठिन रास्ते हैं। ये बावरियों की जगह यार, काफ़ी अच्छी है। देखो आप पीछे देखने वाले आ रहा, वाह। थोड़ा सा ऊपर की साइड चलते हैं, और मजा आने वाला है। वाह यार, सो यूनिक। ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए सब करना पड़ रहा है। ओ यार, बढ़िया। अभी मैं गिर जाता यार। आप देखो, आपको दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, बने हुए जो हैं, तो पीछे की साइड में भी कुछ ऐसे बने हुए थे जैसे मैंने आपको इमेज दिखाए थे। बहुत मजा आ रहा है यार, एक बार मैं बैक कैमरे से शॉट ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। बस थोड़ी आगे की ओर चलते हैं यार, इसमें रास्ते काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
देख सकते हो आप कैसे कैसे रास्ते गुफा टाइप के बना रखे यार। ये देखिए आप, यहाँ का सीन देखने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत खतरनाक सीन है, क्या बताऊँ यहाँ के बारे में। बहुत अच्छी चीज़ है, आप आइए यार ज़रूर, पानीपत के अंदर काफ़ी चीज़ें घूमने वाली। ये हमारा काबुली बाग है। ये जेल टाइप की बना रखी है, समझ में नहीं आ रहा है जेल है क्या है, कह सकते हैं। लेकिन सब जगह ताले लगा रखे हैं यार, और भी बहुत सी जगह गुफा टाइप की बना रखी हैं। ये गुफा है, अरे बहुत ज़्यादा छोटी सी है, और भी है, इधर चल के देखते हैं। ये थोड़ा सा कबूतर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मोटर बुट कर रहे हैं। इस गली गुफा में चल कर देखते हैं एक बार। ओ ये क्या है, फोकस मारो, ओ पेड़ दिख रहा है, सही है। एंड पार्ट टू, तो मिलते हैं फिर पार्ट टू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं गाइस, क्योंकि आप वीडियो वॉच नहीं करते हो, पूरी देखते नहीं हो। अगर वीडियो देख भी लेते हो तो लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। तो आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आज बस मेरा एक काम कर दीजिए, वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।